एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी आपके पास फिर से आ रहे हैं और जानेंगे अब ऑप्शन स्ट्रेटजी के तौर पर आप कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं। जी स्वाति जी, पहले हमारे इस सेगमेंट के दर्शकों को उनको एक बार उनका इस्तकबाल कर लें, उनका स्वागत है। और ये भी बताते चलें कि आज मैं कॉल ऑप्शन नहीं, आपको पुट ऑप्शन देने वाला हूं। तो वो बताऊं उसके पहले ये भी जिक्र करना सही रहेगा कि कल मैंने आपको दो कॉल ऑप्शन दिए थे, एक तो LIC हाउसिंग का और दूसरा था वो था IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो ये भी कहा था कि दोनों में से एक लीजिए, जो हाँ मुझे कॉन्फिडेंस था वो इंडियन ऑयल पे था और इंडियन ऑयल का टारगेट भी कल ही हो गया। अब आते हैं आज के पुट्स के ऊपर। तो आज के जो पुट्स हैं वो दो कंपनियां हैं, एक तो JSW स्टील में देखा था कि हम थोड़े अंडर प्रेशर थे, और दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो ये दोनों कंपनियां थोड़ी कमजोर लग रही हैं, तो ट्रेडिंग की दृष्टि से अगर आप पुट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये भी बता दें कि पुट जब आप खरीदते हैं तो स्टॉक गिरता है तो आपको फायदा होता है, अगर वो स्टॉक बढ़ जाएगा तो आपको आपका जो ऑप्शन है वो चला जाएगा। तो JSW में 650 की पुट 27 रुपये पर लें, 22 रुपये का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें रहेगा 37। अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर 4300 का पुट खरीदें, 177 रुपये पे आपको मिलेगा, 125 रुपये पे रखें स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 255। ये बात भी ध्यान रखिए कि ये आपको हैंड ग्रेनेड दे रहा हूँ, जो आपको पिन तभी निकालनी है जब अनिल जी सुबह बोले कि मार्केट खराब रहेगा। अगर मार्केट वहाँ पे अच्छा दिखता हो तो ये आपको साइड में रख देना है, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को जिंदा बचाए रखना चाहेंगे, और अगर अच्छा दिखता होगा तो आप सुबह जो भी ऑप्शंस बताए जाएं आपको या दूसरे स्टॉक बताए जाएं उनको तोलें और जो अनिल जी बोले उस हिसाब से आप करें। तो मैं आपको सिर्फ आम कर रहा हूं, पर आपको ये करना है कल, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सुबह देखिए ऊंट कर किस करोट बैठता है, उसके बाद में अपनी पोजिशन लीजिए। धन्यवाद। चलिए अब शर्मा जी का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। सर अब बताइए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखने की सलाह कौन से स्टॉक में आज दे रहे हैं आप? जी लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर आपको स्टॉक लेना हो तो मैं MCX के सजेशन करूंगा स्वाति जी, और वो इसलिए क्योंकि ये अपने फील्ड में लीडर है। अगर हम कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर परसेंटेज देखें मार्केट शेयर का तो 92.6% इनका है, 92.6%। तो ये लीडर है और शुरू किया था अच्छा, और अब इनका जितनी भी होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो करीब 76% होल्ड करते हैं, बाकी करीब 3.4% ओवरऑल शेयर होल्डिंग मार्केट के अंदर है। तो अगर हम ये देखें कि ये कमोडिटीज के अंदर तो ट्रेड करता ही है, लेकिन काफ़ी दिक्कतें आई थी पिछले दिनों में, पिछले एक साल के अंदर, खासकर जब क्रूड का जो फ्यूचर्स थे वो जब सेटल हुए थे बहुत नीचे US के अंदर, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को बहुत मार पड़ी थी, और ऊपर से मार्जिन जो बढ़ाए हैं लगातार एक्सचेंजेस ने खासकर कमोडिटीज पे, तो उससे भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ी लोगों की और इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े गिरे हैं। लेकिन पीक मार्जिन अब हो चुका है, इससे ज़्यादा मार्जिन बढ़ने वाले नहीं है, और अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो वर्स्ट पीरियड है वो इसके बिहाइंड है। आगे क्यों अच्छा करेगा उसके भी एक कारण है, ये देखिए कि पिछले 5 क्वार्टर में इनके जो नंबर ऑफ जो अकाउंट्स हैं जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो डबल हो गए हैं। इनकम नहीं बढ़ी लेकिन जो नए वाले लोग हैं वो बढ़ गए हैं। तो जब ये कई और चीज़ें आने वाली हैं आगे, जियो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ट्रेडिंग होगी, ऊपर से जो इनको फ्यूचर्स का तो है ही, इंडेक्स फ्यूचर्स का जो कमोडिटी पे इंडेक्स लगते हैं, और उनके अंदर अभी ऑप्शंस की भी इनको परमिशन आज मिली है, तो कुल मिला के अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो रही है। और संस्थागत निवेशक भी जो पहले इन्वेस्ट करते थे उनके इन्वेस्ट के करने लायक कोई प्रोडक्ट नहीं था, वो नहीं चाहते कि भाई मैं कमोडिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में करूँ, वो पोजिशन लेना चाहेंगे इंडेक्स में। तो अब जबकि ऑप्शंस भी आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी जो है ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस की बढ़ेगी। तो ये करंट जो स्टॉक है ये करीब 1720 रुपये पे आप यहाँ पे लें, मैं समझता हूँ कि 1650 भी अगर नीचे जाता है इस मार्केट के अंदर तो आप ऐड करें। करंट भाव से जो हमारा टारगेट है वो 1953,
वहाँ पे आपको जो रिटर्न बैठेंगे 13.60%, और अगर आप एवरेज करते हैं तो आपकी रिटर्न बैठेगी करीब 16%। और ये ध्यान रखिए कि ये जो मार्केट कैप है इसके अंदर 20% तो कंपनी के पास कैश है, तो आप इसको आराम से इकट्ठा करें साल भर के लिए, और जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं वो आपको बता दिए हैं ये, और घबराइए नहीं नीचे स्टॉक को एवरेज करने में। ओके सर, तो शर्मा जी की लॉन्ग टर्म पसंद एमसीएक्स में खरीदारी की राय। आइए अब कल का ऑप्शन समझते हैं, और हमारे साथ चंदन तापड़िया हैं उन मोतीलाल ओसवाल से। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका शो में, जानेंगे कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखने की सलाह दे रहे हैं आप। जी नमस्कार, देखें आज बाजार में काफी सिलेक्टिव मूव देखने को मिला था, हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऊपरी लेवल से लगभग 250 पॉइंट का मुनाफा वसूली देखा था, बट काफी स्टॉक ऐसे हैं जो इस बाजार की वोलेटिलिटी के बावजूद भी स्ट्रेंथ बनाए हुए, और हमारे ऐसा मानना है कि शायद बाजार में नीचे में वापिस सपोर्ट से बाइंग देखने को मिले। तो दो ऑप्शन है, दोनों हम बाई तरफ रख रहे हैं। पहला ट्रेड रहेगा टाटा केमिकल। आप देखोगे जितने भी केमिकल से रिलेटेड कंपनीज है सब में काफी अच्छा प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है, लॉन्ग के बिल्टअप, डिलीवरी वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट सब यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव बता रहे हैं, और टाटा केमिकल आज की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी अपने आप को अच्छी तरह से होल्ड करके ब्रेकआउट दिखाया। तो यहाँ पे टाटा केमिकल को खरीदारी की सलाह रहेगी, हमारा मानना है 1020 तक के लेवल बनेंगे। तो 980 की कॉल लें, 39 के आसपास बंद हुआ था, 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 60 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा टाइटन। देखिए कंजम्पशन है वहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग बनी हुई है, और टाइटन है जिसमें कंटिन्यूअसली हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे लगभग 2240 तक की अपसाइड बननी चाहिए, इसके लिए 2180 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 63 रुपए के आसपास ये कॉल बंद हुआ, 43 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये 2180 की कॉल आपको ऊपर में 100-105 रुपए तक के टारगेट दिखा सकते। जी बहुत शुक्रिया चंदन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए, और शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। तो इसी के साथ इस शो में तो इतना ही।